दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्मोकंस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और देखिए हमारे चैनल की सभी टेक वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जीमेल अकाउंट को 99.9% तक ऑलमोस्ट फुली सिक्योर कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको बात करूँगा आपसे इसी तरीके के बारे में कि क्या है वो, कौन सा तरीका है जिससे आप अपने गूगल अकाउंट को ऑलमोस्ट फुली सिक्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं टेक्मोकास चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि मैंने इससे पहले जीमेल पे कई वीडियोस बनाए रखे हैं और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो स्टेप टू वेरिफिकेशन पे था। तो उससे मैंने कई यूजर्स ने मुझे कमेंट किया था कि भाई हमने वो स्टेप टू वेरिफिकेशन आपकी वीडियो देखने के बाद ऑन तो कर लिया लेकिन हमें कई बार ओटीपी रिसीव नहीं होता। तो दोस्तों कई बार टेक्निकल एरर होता है, गूगल के सर्वर में भी एरर होता है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी सर्वर एरर होते हैं, तो वो कई थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। लेकिन उस कंडीशन में आप अगर गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर, आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ऑन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कभी भी अपने गूगल अकाउंट को लॉग इन करने में, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, किसी भी फोन, दूसरे फोन में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको अभी लाइव करके बताता हूँ कि आप इसे अपने गूगल अकाउंट के साथ कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर यूज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। आप अपने फ़ोन का इंटरनेट ज़रूर ऑन कर लेना, नहीं तो ये गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए आप दोस्तों, मैंने ये जो ऐप है आप ध्यान से देख लीजिए, ये गूगल ऑथेंटिकेटर गूगल LLC लिखा होगा। आपको इस ऐप को सिंपली ओपन करना है। अब ये पूछेगा कि बिगिन, तो आपको सिंपली बिगिन करना है। बिगिन करने के बाद ये पूछेगा, यहाँ कई सारे ऑप्शन बताएगा, वेर एवर यू साइन इन एंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड एज यूजल। इसके बाद सिंपली वो आपको ये तरीके बता रहा है स्टेप आप कैसे ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसे यहाँ फिनिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऐड एन अकाउंट, यानी किस जीमेल अकाउंट के साथ आप इसे लिंक करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप सिंपली अपने एक बार लैपटॉप को ऑन कर लीजिए। लैपटॉप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन कर रखा है। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने यहाँ पे जो ये 9 डॉट्स है, यहाँ पे सिंपली जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये 9 डॉट्स आपके अकाउंट में भी आएंगे। आप यहाँ सिंपली अपने माई अकाउंट सेक्शन को क्लिक कर दीजिए। माई अकाउंट सेक्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आप थोड़ा अपने एरो को नीचे ले आइए। यहाँ साइन इन टू गूगल का जो ऑप्शन आ रहा है, आप इसे शायद ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेरे यहाँ थोड़ी लाइट की कंडीशन सही नहीं है, तो आप यहाँ सिंपली यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कई सारी डिटेल्स बताएगा और उसके बाद यहाँ स्टेप टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली स्टेप टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपसे और भी कई सारे सिक्योरिटी फीचर पूछेगा। तो इसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कर दिया है इसका पासवर्ड एंटर। तो दोस्तों जैसे ही पासवर्ड आप एंटर कर देंगे तो ये आपको सिंपली यहाँ इस पेज पे ले आएगा। यहाँ मैंने मेरे नंबर हाइड कर रखे हैं या छुपा लिए हैं आपसे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ आप सबसे नीचे करेंगे तो यहाँ पे गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर का जो आपको ये ऐप दिखाई दे रहा है, ये यहाँ सेटअप वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अभी मैंने सेटअप पे क्लिक कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने जैसे ही सेटअप पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि गेट द ऑथेंटिकेटर ऐप। आप ये आपसे फ़ोन पूछ रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं बारकोड आएगा, एक बारकोड आएगा। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्कैन ए बारकोड, तो आपको सिंपली यहाँ टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ इसको परमिशन देनी है अलाउ की। इसके बाद यहाँ जैसे ही बारकोड ऐड करेंगे
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ बारकोड ऐड हो गया। ये मेरा जीमेल अकाउंट है, techmukunds@gmail.com, यहाँ 98028। अब दोस्तों ये आपके अकाउंट के साथ सेटअप हो गया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पिन है 980, अभी ये थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा पिन आ जाएगा, क्योंकि एक एक मिनट से ये कुछ से एक एक मिनट भी नहीं, एक्चुअली ये कुछ सेकंड्स के लिए था, 5-10 सेकंड के लिए ये चलेगा। तो अब मुझे यहाँ ये सिंपली ये पिन एंटर करना है, तो मैं अभी आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ ये पिन एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। यहाँ मैंने डाला 148861। जैसे ही मैं इसको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, जैसे ही वेरीफाई क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे डन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डन का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका, आप अपने फ़ोन में गूगल ऐप ऑथेंटिकेटर को ऑन कर सकते हैं और अपने अकाउंट को फुली सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति कोई कमेंट या सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।